इरवावी। चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार। एक दो तीन। सैम को अपना क्रिसमस का उपहार अभी चाहिए, पर वो उपहार तो कहीं छुपा के रखा गया है। क्या सैम को उसका उपहार मिला? चलो सुनते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है सैम का क्रिसमस उपहार। लेखन किया है एनी बेजेंट, चित्रांकन एलिसिया सूजा, और हिंदी में अनुवाद किया है राजेश खर। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। सैम बड़ा ही उतावला लड़का था। उसे अपने क्रिसमस उपहार के बारे में जानना था। मम्मी, मेरा क्रिसमस का उपहार कहाँ है? सैम ने पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैंने एक खास जगह छुपा के रखा है। अपनी लंबी जीभ निकालते हुए सैम पापा को ढूंढने चला गया। पापा, मेरा क्रिसमस उपहार कहाँ है? सैम ने पूछा। उसे तो मैंने एक ऐसी जगह छुपाया है जहां तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे सैम, पापा ने हंसते हुए कहा। मुझे पता है क्या करना है, सैम ने सोचा। मैं अभी पता लगाता हूं कि उपहार कहां है। उसने पापा की मेज के पीछे देखा। वहां एक उपहार था, लाल रंग के कागज में लिपटा हुआ। लेकिन ये तो जूजू आंटी के लिए है, सैम ने उस पर लगा पर्चा पढ़ते हुए कहा। फिर वो मम्मी पापा के कमरे में घुसा। वहां उसे सुनहरे कागज में लिपटा हुआ एक उपहार मिला। एल्फी अंकल के लिए, सैम ने उस पर चिपका पर्चा पढ़ा। सैम ने चुपके चुपके माँ की अलमारी खोली, रंगों के डिब्बों और ब्रश के ढेर के पीछे देखा। वहां जामुनी कागज में एक उपहार था। उस पर लिखा था, हमारी बेटी सोफी के लिए। सैम वापस अपने कमरे में जाकर फर्श पर बैठ गया। वो दुखी था। तभी उसकी नजर पलंग के नीचे रखे हुए एक उपहार पर पड़ी, जो रुपहले कागज में लिपटा हुआ था। रुपहले माने सिल्वर। ये मेरा है, उस पर चिपके पर्चे को पढ़ वह खुशी से चिल्लाया। सैम ने डिब्बा उठाकर हिलाया डुलाया अल्टा पलटा। इसमें है क्या? क्या हो सकता है इसमें? आप क्या सोचते हैं? क्या सैम ने उपहार खोला या फिर उसे वापस वही छुपा दिया? आप सही सोच रहे हैं। सैम ने उपहार वापस पलंग के नीचे रख दिया और क्रिसमस तक इंतजार करने का निश्चय किया। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।